इसराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के गाजा चीफ याहा सिनवार को घेर लिया है। खान यूनिस के कसाई के नाम से कुख्यात सिनवार की सुरंग के बाहर इसराइल ने घेरा डाल रखा है। सिनवार से पहले इसराइल ने इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइव को मार डाला। हालांकि इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई, इस पर दावे चौंकाने वाले हैं। इस्माइल हानिया की मौत कंफर्म है, उसके लिए ईरान में मातम हो रहा है, कतर में उसके मर्सिया पढ़े जाने की तैयारी है। हानिया की कब्र भी खुद रही है, लेकिन हमास के सबसे बदनाम सरगना की मौत कैसे हुई, इस पर अब भी सस्पेंस है। ईरान का दावा, इस्माइल हानिया मिसाइल स्ट्राइक में मारा गया। अमेरिका का दावा, इस्माइल हानिया रिमोट बम से उड़ाया गया। हमास के सबसे बड़े सरगना की डेथ मिस्ट्री बनती जा रही है, क्योंकि मौत पर दो दावे किए जा रहे हैं। ईरान किसी भी कीमत पर हानिया की मौत मिसाइल हमले में साबित करने पर तोला है, वहीं अमेरिका ने इस्माइल हानिया के खात्मे की प्री प्लान्ड स्टोरी रिलीज कर दी है। सुपर पावर ने हानिया के रिमोट बम से उड़ाए जाने का पूरा ऑपरेशन खोल कर रख दिया है। हानिया के मौत पर अलग अलग दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसकी वजह बेहद खौफनाक है, उसे भी जानेंगे। मगर हमास के सबसे कुख्यात लीडर के सफाए के बाद से खाड़ी मुल्कों में कैसा बारूदी बवंडर उठा है, उसे देखिए। लेबनान से दागे गए रॉकेट से इसराइल धुआं धुआं हो रहा है। इसराइल की फोर्सेस हर फ्रंट पर एक्शन में हैं। ईरान की मिसाइलें तन गई हैं। हूथी विद्रोहियों का लश्कर जंग के लिए उठ खड़ा हुआ है। इसराइल के हर दुश्मन उस पर टूट पड़ने के लिए उतावले हैं। मगर इस्माइल हानिया को जैसे मौत के घाट उतारा गया है, वो इसराइल के दुश्मनों की सोच से परे है। और मोसाद एजेंट्स के कुख्यात कारनामों में ये मिशन टॉप पर आ गया है। सबसे पहले ये जानिए कि हानिया को मौत के घाट कहां उतारा गया। 31 जुलाई 2024 की रात इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में था। हानिया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कॉप्स के सैन्य परिसर में ठहरा था। वो गेस्ट हाउस ईरान के राष्ट्रपति भवन से महज 150 मीटर दूर था। गेस्ट हाउस में हानिया के साथ दूसरे कई नामी मेहमान रुके थे, यानी जहां कदम कदम पर पहरा था, जहां ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, जहां किसी अजनबी की आवाजाही मुमकिन नहीं थी, जहां किसी भी तरह के हमले अंजाम देना आसान नहीं था, उसी अभेद्य सुरक्षा घेरे को भेद कर मोसाद एजेंट ने हानिया का सफाया कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी समेत मध्य पूर्व के 7 अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक हानिया का अंत 2 महीने पहले ही तय हो चुका था। इस्माइल हानिया को मारने के लिए रिमोट बम स्मगल कर तेहरान ले जाया गया। जिस बम से हानिया को उड़ाया जाना था, वो एक हाईटेक डिवाइस थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। मोसाद एजेंट्स ने 2 महीने पहले ये बम IRGC के गेस्ट हाउस में फिट कर दिया था। बम फिट करने से पहले हानिया की एक एक डिटेल को जुटाया गया था, जिसमें हमास चीफ की हर हरकत, गेस्ट हाउस और कमरा नंबर तक मोसाद को पता था, क्योंकि हानिया जब भी तेहरान गया, वो IRGC के गेस्ट हाउस में एक ही कमरे में रात गुजारी थी।